मजा उसका 21वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, मत्ती रस सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, इसका सबटाइटल है मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। हम सब एक साथ प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीछे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब मंदिर और लगने मंदिर में उनके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को मूर्छना के हत्थे पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उसे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई? तब वे उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां पर रात बिताई। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। हम सब लोगों में सब कुछ पाएंगे। प्रभु मेरी बुद्धि कर ज्ञान कर समझ में योग्यता को शून्य कर और जिंदा होता इस पल से मेरे मुख से जोड़ के लिए यीशु को मेरा नहीं अब तेरा कला ठहरे और तेरे लोगों की यह बरकतों का वाइस लाओ अनुग्रह कर दया कर करना तेरे लोगों के लिए मन फिराओ का आत्मा लेकर तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर तेरी ओर खुदावर को ध्यान दे और पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझ कर लावा के कपड़े से पिता परमेश्वर तमाम सुबातों को पिता जो हमें तेरी आत्मा से बाहर लेकर जावे खुदावर हमारे शरीरों को हमारे जिंदगी को हमारे ध्यान को हमारे एकाग्रता को खंडित करे बस यीशु के नाम से बांध दिया जाते और खुदावर ने वेदन करते हैं बाबा आसमानी कि आज की शाम का ये कलाम खुदावर हम सब के लिए बरकत हो पा पाए यीशु के नाम से आमीन आमीन। मरी हो खुदावर के कलाम में लिखा है वहां लिखा है वहां क्या लिखा है कि यीशु मसीह मंदिर में आए है ना। अभी विजय प्रवेश के बाद कल हमने अपने साथी बात सुना कि अंजीर के वृक्ष को जो है वो मसीह यीशु ने सुखा दिया और आज हम वर्णन करेंगे मंदिर की सफाई के ऊपर। पर इन उसमें तो एक साथ शाम पढ़ा गया उसमें क्या लिखा कि यीशु मसीह जो है वो मंदिर के अंदर आए और मंदिर के अंदर आने के बाद उन्होंने क्या किया वो बड़े क्रोधित हुए उन्होंने वहां लिखा हुआ है अगर और इस वर्जन में पढ़े तो उन्होंने क्या किया हाथों से उन्होंने छोटा बनाया इंटर बनाया और उसके बाद पूरी एंटायर बाइबल अगर यीशु मसीह को कहीं क्रोधित दिखाया गया है तो सिर्फ यीशु मसीह का क्रोध कहां पे आया है यीशु मसीह का क्रोध इसी स्थान पर इसके बाद यीशु मसीह को कभी क्रोध नहीं आया। मैं इसको खुदा को लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में आकर क्या किया उन्होंने मंदिर में आकर शराफों की चौकियां पलट दी और कबूतर बेचने वालों को उन्होंने कोड़े से मारकर मंदिर से बाहर भगा दिया। उन्होंने वहां जितने लेन देन कर रहे थे उन सब के ऊपर बड़ा खराब प्रभाव दिया है ना। उन्होंने न किसी को बाहर सामान ले जाने दिया किसी को बाहर से सामान लाने दिया। इसमें सवाल यह है कि इसमें क्या गलत है वो क्या गलत कर रहे हैं ये तो पुराने नियम की व्यवस्था है कि अगर मनुष्य अपराध करे पाप करे तो उसके लिए मूसा की व्यवस्था में ही लिखा गया है कि वो कबूतर की कुर्बानियां चढ़ा और नाना प्रकार की कुर्बानियां वहां पर लिखी है। तो इसमें ऐसा क्या गलत क्या हो गया कि यीशु मसीह इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने कबूतर बेचने वालों को इतना भयंकर दंड दिया और उनका क्रोध किया। दूसरी बात यह है कि यरूशलेम टेम्पल जो है वो सेंटर प्लेस है वर्शिप इबादत का और बड़े दूर दूर स्थानों से जो है वो लोग वहां पर इबादत करने के लिए आते हैं। जैसे हम लोग भी जब फॉरेन में हम यरूशलेम अभी जाए तो हम क्या करेंगे अपनी इंडियन करेंसी को यरूशलेम इसराइल की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें है ना, क्योंकि हमारी करेंसी वहां पर जाने के बाद यूजलेस है
ऐसे ही जब दूर दूर से लोग, दूर देशों से लोग आकर खुदावत के भवन में उसके लिए भेंट खरीदने के लिए और उसकी इबादत करने के लिए जब आया करते थे, तो उन्हें लोकल करेंसी की आवश्यकता थी। तो अगर शराफी लोकल करेंसी को एक्सचेंज करके उन्हें दे रहे, उसमें क्या गलत है? नहीं तो ये भी क्या है, भेंट चढ़ाना परमेश्वर को बहाना है ना, ये भी परमेश्वर ने बनाया हुआ एक नियम। सबसे पहली बात जो आपको जानने की वो ये है कि रिलीजन में क्रिश्चियनिटी है। मैं और आप यीशु को कैसे जानते हैं, मैं और आप क्रिश्चियनिटी को कैसे जानते हैं? क्या मेरे से बपतिस्मा लेना, कंफर्मेशन लेना, वर्शिप के दौरान प्रेजेंट वर्शिप लीड कराना, पास्टर कमेटी में चर्चेस के अंदर पास्टर कमेटी और कॉन्फ्रेंस का मेंबर हो जाना, या एक एक्टिव चर्च का मेंबर होना, मेंबर चर्च के अंदर मेंबरशिप ले लेना, क्या ये सब कुछ क्रिश्चियनिटी के दायरे में आता है? यह सब मैं और आपने सिर्फ यही कर लिया तो क्या मेरे और आपके लिए क्रिश्चियनिटी का मतलब आपको ठप्पा नहीं है, मेरे और आपको क्रिश्चियन होने का जो है वो दावा नहीं है? हाँ, अब किसी के बाद बपतिस्मा सर्टिफिकेट मिलता है, कंफर्मेशन के बाद कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वो निश्चित तौर पर जाएगा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। न जाने कितनों ने बपतिस्मा लिया होगा, न जाने कितनों ने कंफर्मेशन लिया होगा, न जाने कितने चर्च के मेंबर होंगे, न जाने कितने पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस के मेंबर होंगे, न जाने कितनी बहन डब्ल्यूसीएस की मेंबर होंगी, न जाने कितने लोग चर्च के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते होंगे। वैसे तो जरूरी नहीं है कि हर एक की आराधना परमेश्वर की हुजूरी में कहने योग्य हो, कहीं ना कहीं परमेश्वर को आराधनालयों में और आराधनाओं में कमी लग रही है। जैसे उस समय के अंदर क्या हुआ, यीशु मसीह ने उन परिस्थिति को देखा कि दूर दूर से लोग जो है बड़ी मेहनत करके यरूशलेम मंदिर आकर खुदावंद की इबादत करते थे और उनके लिए भेंट चढ़ाया करते थे, लेकिन शराफी क्या करते थे, जब वो लोकल करेंसी को अपनी लेकर आया यरूशलेम के अंदर, तो शराफी उनसे 10% जो है कमीशन काट लिया करते, 10% कमीशन काट कर उन्हें दिया। सपोज करिए 100 रुपए लाए तो 10 रुपए शराफ ने ले लिए, उनके हाथ में 90 रुपए आए और उन्होंने जब भेंटें खरीदी, कबूतर खरीदे, तो कबूतर अंदर यरूशलेम के टेम्पल के मंदिर के अंदर कबूतर बेचने वालों के लिए अलग से उनको टैक्स देना पड़ता था, उनका कमीशन अलग था। जब वो कमीशन दे रहे हैं वहां पर अपनी दुकान लगाने के लिए, तो वो कबूतर और भेंटों का दान जो है वो भी महंगे में बेचा करते थे। उसके बाद आराधनालयों से जब आराधना करके वापस जाते थे, जब ओब्वियसली हम भी अगर किसी शहर में जाते हैं या किसी देश में जाते हैं तो एक्स्ट्रा ही करेंसी एक्सचेंज करा लेते, और जब वो बचता था उसे फिर जब वो एक्सचेंज करा देते तो फिर उन्हें 10% शराफों को देना पड़ता था। इसका मतलब उस 100 रुपए अगर लेके गए तो सिर्फ 80 रुपए जो है वो उनके पास आए, बाकी 20% जो है वो कमीशन के रूप में चला गया। और वो कबूतर जो बाहर सस्ते में मिल रहा है, वो भेंटें जो बाहर सस्ते मिल रही है, वो मनमाने दामों में वहां पर बेची जा रही थी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां पर भक्ति को उन्होंने, जैसा प्रभु का दास कहता है कि भक्ति को कमाई का मार्ग न बनाओ, उन लोगों ने भक्ति को कमाई का मार्ग बना लिया, उन्होंने परमेश्वर के भवन को लूटने का जरिया बना लिया। वो मनुष्य की भावनाओं से और आराधकों की भावनाओं से खेल रहे थे। आराधक बड़ी आस्था लेकर, बड़े विश्वास लेकर प्रभु के भवन आते थे कि खुदावंद उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, जैसा कि खुदावंद के कलाम में इतिहास में लिखा है कि अब से इस भवन में जो प्रार्थना की जाएगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। वो इसी बड़ी आस और उम्मीद के साथ खुदावंद के भवन आते थे, लेकिन वहां पर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने की जगह उन्हें लूट लिया जाता, उनके साथ धोखा किया जाता। संसारिक मार्केट के अंदर और आराधनालय में कोई अंतर नहीं बचाता। मैं जी दो आज मैं और आप अगर थोड़ी देर के लिए आप प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर मनन करें तो मुझे क्षमा करें, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी धार्मिक व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर आराधनालयों की स्थिति यही है। वही प्रसाद जो मैं और आप अंदर चढ़ाते हैं, वही चादर जो मैं
वही मालाएं जो और आप अंदर चढ़ाते हैं, वही मोमबत्तियां जो और आप अंदर चढ़ाते हैं, वही अगरबत्तियां जो और आप अंदर चढ़ाते हैं, मैं और आप तो भेंट स्वरूप अपने अपने धर्मों के प्रार्थना स्थलों में चढ़ा कर वापिस आ जाते हैं, लेकिन शायद मैं और आप नहीं जानते कि वो चीजें वापिस घूमकर फिर से मंदिर मस्जिद पहुंचे जिन्हें गुरुद्वारा नानक का कहलाता है, नाले के सामने पुनः आ जाते हैं। आज कहीं ना कहीं धर्म को लोगों ने कमाई का जरिया बना दिया, इसलिए परमेश्वर का कोप जो है वो मनुष्य धोनी के ऊपर रुक रहा है। आज इसलिए परमेश्वर ने जैसे उस जमाने में मंदिर की सफाई की, वैसे आज भी परमेश्वर ने आराधनालयों को बंद कर दिया है कि जितने आराधनालयों के लीडर्स है, जितने पासवान पंडित पुजारी मौलवी है, जितने धर्माध्यक्ष है, वो इस बात को जांच और परखे कि कहीं हमारी धार्मिकता में कोई कमी तो नहीं आ गई, कहीं हमारे और हमारे परमेश्वर के साथ संबंधों में कोई कमी तो नहीं आ गई, कहीं हमारा आचरण हमारा चाल चलन ऐसा तो नहीं हो गया कि जो परमेश्वर की दृष्टि में घेर योग्य नहीं है। निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर के नाम से जो कोई लूटेगा उसकी लूट परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। यीशु मसीह को भी खुदावंत का पवित्र शास्त्र बताता है कि पूरी जिंदगी में एक ही बार क्रोध आया, और वो सिर्फ जब उसने देखा कि भोले भाले आराधकों से धर्म के नाम पर लूट हो रही है। खुदावंत अपने भवन को कभी गंदा नहीं कर सकता, खुदावंत किसी भी आराधनालय को कभी भी दूषित होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित तौर बना लेना, प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। क्रिश्चियनिटी जो है शायद वो किसके पर ना निर्भर हो, कन्फर्मेशन पर निर्भर ना हो, चर्च मेंबरशिप पर निर्भर ना हो, इन सारी चीजों के मार्फत मेरा और आपका न्याय नहीं होगा। मेरा आपका न्याय अगर होगा या मेरी और आपकी क्रिश्चियनिटी या मेरा और आपका मसीह जीवन सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर निर्भर है, एक पापों की क्षमा जो मसीह यीशु ने इस कलवरी के क्रूस पर चढ़कर दे दी। खुदावंत के कलाम में लिखा है, खुदा का दास कहता है, देखो परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। मसीह यीशु इस संसार में हर एक जिंदगी को बचाने के लिए आया, हर एक अपराधी के अपराध को क्षमा कराने के लिए आया। यह होता कि सोलह में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो हलाक न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ईश्वर अल्लाह भगवान मैं और आप किसी भी नाम से उसे पुकार ले, वह जो आकाश पृथ्वी का करता है, वह जो सृष्टि का बनाने वाला है, वो इस संसार में मनुष्य धोनि को तौबा के मौके पर रोके देता है और उनके अपराधों को क्षमा करता है। मसीह यीशु भी संसार में मेरे और आपके अपराधों को क्षमा करने आया। क्रिश्चियनिटी इज ऑल टुगेदर अबाउट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा ही मसीहत का आधार है। इसके बाद दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात जो मसीहत सिखाती है वो है आशा। मसीह यीशु ने मुझे आपको धन्य आशा दी है, क्या मुझे आपको पापी की तरह जिंदगी बिताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मसीह यीशु ने अपने बदन पर घोड़े खा लिए हैं, मसीह यीशु ने अपने ऊपर ठुकवा लिया है, मसीह यीशु इस कलवरी की क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसने अपना लहू बहा दिया कि मुझे आपको क्षमा मिल जाए और मैं और आप उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे जो मसीह यीशु ने मुझे और आपको देने के लिए वादा किया। दो चीज है क्रिश्चियनिटी का बेस, एक मैं और आप जो मेरे और आपके पूर्वजों आदम ने और हव्वा ने अपराध किया गुनाह किया उसकी सजा मुझे आपको न मिले, मेरे और आपकी सजा मसीह यीशु के रूप में समाप्त ही कर दी गई और मेरे और आप गुनाहों से आजाद हो गए। और आजाद होने के बाद जैसा खुदा के कलाम में लिखा कि यहूदा 14 में कि मैं जानता हूं तुम्हारे ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा जहां पर मैं रहता हूं तुम भी रहो। ये मसीह यीशु में मेरे और आपके जीवन की धन्य आशा है। मुझे आपको अपनी जिंदगी को तैयार करने की आवश्यकता है कि मैं और आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। मसीह यीशु इस चर्चेस की बात नहीं करता, मसीह यीशु ईंट और गारे के बिल्डिंगों की बात नहीं करता। खुदावंत के कलाम में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए रोमियो 8:1 लिखा है अब से जो मसीह यीशु
मुक्त है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। मुझे और आपको ये देखने की आवश्यकता है कि अपराधों के क्षमा के उपरांत भी मेरे और आपका शरीर, मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके विचार कहां जा रहे हैं। यीशु ने कहा यहूदा के बारे में कि जिन्होंने मुझे घृणा किया उन्हें मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैंने तो मेरे और आपके अपराधों की क्षमा मसीह यीशु में मुझे और आपको मिल गई है। इसलिए मुझे और आपको किसी भी तरह से हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो मुझे और आपको मसीह यीशु में ईमान रखने की आवश्यकता है। मुझे और आपको इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि मैं और आप खुदा उनके खिलाफ है। यहूदा ने सुसमाचार का पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, वो लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मुझे और आपको अपने शरीर के अनुसार जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो इसीलिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी को, अपने शरीरों को, अपने मन परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी और आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर न बने, कहीं ऐसा न हो कि मेरे और आपने इस पवित्र आत्मा की देह को जो खुदावंद ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए दी थी उसे मेरे और आपने डाकुओं की खो बना दिया। डाकुओं की खो बनाने का मतलब नाना प्रकार की बुराइयों का अड्डा। आज मेरे और आपके विचार अगर पवित्र नहीं, अगर मेरे और आपका चाल चलन पवित्र नहीं, मेरी आपकी सोच अगर पवित्र नहीं है, मेरा आपका मन अगर पवित्र नहीं है, मेरी आपकी जिंदगी अगर पवित्र नहीं है, तो निश्चित तौर पर जान लेना हर एक बुराई करने वाला, हर एक घृणा करने वाला, हर एक अहंकार करने वाला, हर एक जलन रखने वाला, हर एक ईर्ष्या करने वाला, हर एक नाना प्रकार की बुराइयों से लिप्त व्यक्ति की जीवन उसका शरीर जो है वो डाकुओं की खो है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके मंदिर को पवित्र रखें। जैसा कि दूसरा पुरंतियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं जो आपको बताती है, वो कहती है कि हमारा चाहे हमारा भारी मनुष्य को चाहता भी रहे तभी भी मुझे आपको अपने भीतरी मनुष्य को नया करने की आवश्यकता। मैं और आप बहुत सकते, मैं और आप प्रार्थनाएं करें। ये समय मुझे और आपको इसलिए दिया गया कि मैं और आप थोड़ी देर के लिए अपने आराधनालयों को जांचे और अपने शरीर, अपनी जिंदगी, अपने सोच विचार को जांचे कि मेरे और आपका जीवन कहां जा रहा है। निश्चित तौर पर जान लेना हम खुदावंद के धन्यवाद दें इस महामारी के लिए भी कि खुदावंद ने इस महामारी के दौरान भी मुझे और आपको अपने मनों को जांचने का अवसर दिया है। मेरे दो अन्यथा मेरे और आपके जीवन में संसार की व्यस्तताएं तो हमेशा रही, इससे पहले भी संसार की व्यस्तताएं थी और खुदा का धन्यवाद इस महामारी से मुझे और आपको बचाएगा और इस महामारी के बाद भी मेरे और आपके जीवन में व्यस्तताएं आएंगी। जैसा कि मसीह यीशु अपने कलाम में लिखते हैं, जब एक स्त्री यीशु मसीह के ऊपर इत्र डालती है तो वहां उनका चेला कहता है कि अरे इतने दिनार तुमने बर्बाद कर दिया, इतने में तो बहुत सारे कंगालों को भी खिलाया जा सकता था। तो यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा मेरी और आपकी संसारिक व्यस्तताएं तो मेरे और आपके साथ हमेशा रहेगी, मेरी आपकी नौकरी मेरे और आपके साथ हमेशा रहेगी, मेरा आपका परिवार की जिम्मेदारी मेरे और आपके साथ हमेशा रहेगी, मेरा आपका संसारिक जीवन मेरे और आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन खुदावंद की इबादत करने का अवसर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पाया जाए, क्योंकि यीशु मसीह विजय यरूशलेम में विजय प्रवेश के बाद मुझे और आपको न्याय के दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जितनी बातें करी है वो सब न्याय के दिन में मुझे और आपको तैयार करने के लिए करी है। यीशु मसीह ने एक टोड़े का दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति को एक स्वामी ने अपने तीन नौकरों को बुलाया, एक को 5 टोड़े दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। भाइयों यीशु मसीह ने और आपके जीवन से भी उन योग्यताओं का हिसाब लेकर बताने मुझे और आपको दी। निश्चित तौर पर जाने खुदा के कलाम में प्रकाशित की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत बताती है, वह लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के
और प्रतिफल मेरे हाथों में है। खुदावंद हर एक के कामों के अनुसार मुझे आपको प्रतिफल देगा, इसलिए मुझे आपको अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है। मेरे जो खर्च में मुझे आपको यह निश्चित तौर पर ध्यान रखना है, संसारिक व्यस्तताओं में मैं और आप अपने परमेश्वर को ना भूल जाए, मैं और आप अपने आत्मिक जीवन को, अपनी आत्मिक उन्नति, अपने आत्मिक उत्थान को निरंतर याद रखें, क्योंकि मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य यही है। मैं तो खुदावंद मुझे आपको पुकार रहा, बुला रहा है, बार बार मुझे आपको चिता रहा है, बार बार मुझे आपको अवसर दे रहा है। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अवसर को कबूल ले जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन अगर मैंने और आपने परमेश्वर की महिमा की जगह
मैं जाने के लिए कितना अच्छा कलाम देता हूँ, मैं इतना अच्छा कितना अच्छा गाना गाता हूँ, मैं कितना अच्छा बजाता हूँ, मेरे दिलों निश्चित तौर बजा लेना कि उस परमेश्वर से मेरे और आप भले कामों के और उस सुसमाचार प्रचार का कुछ भी लाभ ना पाएंगे। मुझे आपको परमेश्वर के मंदिरों को भी पवित्र करना है, परमेश्वर के निराघरणालयों को भी पवित्र करना है। मुझे आपको ये मौका दिया गया है कि कहीं मैं और आप इस बात को जांचे कि मैंने और आपने भी तो भक्ति को अपनी कमाई का जरिया नहीं बना लिया है। नहीं तो कई बार लोग जब और आपने जरूरतमंदों को भी दान देते हुए वीडियो बनाते हैं, तो और आप बहुत बड़े शर्मिंदा होते हैं। आजकल एक फेसबुक पे एक बड़ा अच्छा वीडियो चल रहा है कि बेटियां घर के अंदर कुछ लोग जब राशन पानी बांटने के लिए आए हैं तो उसकी बहन ने जब देखा कि उनके पास कैमरे हैं एक आध, तो उसने भूखे 3 दिन से वो लोग भूखे थे लेकिन उस परिवार ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे को नहीं चाहिए। जब छोटी बहन ने पूछा कि दीदी आपने राशन लेने के लिए मना क्यों कर दिया, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, उसने कहा कि ये लोग वीडियो बनाएंगे फेसबुक और सोशल साइट्स पर डालेंगे और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। मरीजों किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाओ, धर्म के कामों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज न दो। धर्म के काम अगर कर रहे हैं तो सिर्फ अपने परमेश्वर को दिखाने के लिए करो जो गुप्त में है, और तुम्हारी सब बातों को जानने वाला, सब बातों को देखने वाला और सब बातों का न्याय करने न्याय वही करेगा। इसलिए खुदा उनके कलाम में लिखा है प्रकाश पत्र की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तब लिखा है कि तब आत्मा मुझसे कहता है कि लिख अब से जो पृथ्वी में और आप परमेश्वर में अगर जिए हैं तो धन्य ही रहेंगे क्योंकि वो अपने परिश्रम में से आराम पाएंगे और उनके भले काम उनके साथ हो लेंगे। मैं और आप जो भलाई कर रहे हैं मसीह यीशु ने अपने चेलों से कहा इसी पैशन वीक के दौरान कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं कैद खाने में था तुमने मेरी जुदी नहीं, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए। तो उसके चेहरे से यीशु मसीह ने कहा तुम कहोगे कि तुम कब भूखा था, तुम कब नंगा था, तुम कब कैद खाने में था। तो खुदा यीशु मसीह बड़ी साफ सी बात कहते हो, कहते अगर तुमने छोटे के साथ नहीं किया तो मेरे साथ भलाई करने में बुराई नहीं। छोटे से लेकिन परमेश्वर को धोखा ना दे, तुमने परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। उसके तीसरे अध्याय में लिखा है कि तुम मुझे धोखा देते और मुझे लूटते हो, तुम मेरे नाम मेरे कामों को कर कर वाहवाही लूट रहे हो, तुमने अपनी देह को डाकुओं की खो बना दिया है क्योंकि इसके अंदर अहंकार समा गया है, तुम्हारी आराधनाओं से मैं आनंदित नहीं हूं। इसलिए खुदा का दास आमोस की किताब में लिखता है उसके 5वें अध्याय में कि अपनी तुरहियों का और अपनी सारंगियों का कोलाहल मुझसे दूर रखो, मैं तुम्हारे महापर्वों से आनंदित नहीं हूं। मैं मुझे आपको तौबा करने के मुझे आपको अपनी जिंदगी को अपने शरीर को और अपने आराधनालयों को साफ करने के लिए दे। मैं और आप ये जान ले कि जिन आराधनालयों में आराधनाएं हो रही है और जो आराधक आराधना कर रहे हैं वो सिर्फ खुदा को महिमा देने के लिए आराधनाएं करें, ये देखने के लिए नहीं कि आज कौन आया कौन नहीं आया, किसने क्या पहना किसने क्या नहीं पहना, कौन कौन सी गाड़ी से आया है, किसने क्या दान दिया है किसने क्या नहीं दिया है। अरे मैं तो हर बार अपना 10वां अंश देता हूँ, मैं तो हर बार अपनी 10वां अंश देती हूँ, अरे वो तो कुछ भी नहीं देता, अरे मैंने तो कभी उसका अनाउंसमेंट सुना ही नहीं। नजर कितनी बार में और आप आत्मिक स्तरों की बातों में भी संसारिक को ढूंढ लेते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना खुदा का आत्मा प्रकाश की पुस्तक उसका 3वां अध्याय उसकी 12वीं उसकी 20वीं आयत लिखता है, तो पता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु आज मेरे और आपके शरीरों के सामने, यीशु आज मेरे और आपके आराधनालयों के सामने, यीशु आज मेरे और आपके मनों के सामने खटखटा रहा है। वो कह रहा है कि तू सच्ची इबादत तो कर, तू सच्ची आराधना तो कर, तू एक मन एक चित्त और एक आत्मा होकर परमेश्वर की महिमा तो कर, मैं उपस्थित होऊंगा क्योंकि ये मेरा वादा है। आज परेशानी है
में यूनिटी नहीं, कलीसियाओं में एकता नहीं। मैं और आप एक साथ बैठकर खुदावंत की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं और आप एक मन एक चित्त एक आत्मा हो ही नहीं रहे। इसलिए खुदावंत की उपस्थिति प्रभु की आराधनालयों में नहीं है। खुदावंत जबकि प्रभु का कलाम कहता है कि यदि तेरे मन में तेरे भाई के लिए कोई बैर है और तू अगर अपनी भेंट लेकर आता है, पहले तू जा उस भेंट को छोड़ और अपने भाई से पहले सुलह कर, उसके बाद मेरे भवन आना, उसके बाद तू अपनी भेंट लेकर आना जिसे मैं ग्रहण करूंगा और तुझे बरकत दे दूंगा। लेकिन आज मैं और आप खुदावंत की इबादत करते हैं, बगल में ही भाई बैठा है उसके लिए बैर लेकर। चर्चेस के खत्म होने के तुरंत बाद चर्चेस के सराउंडिंग्स के अंदर ही लड़ाई झगड़े, नाना प्रकार की मनमुटाव की बातें, ऊंच नीच की बातें, छोटे और बड़े की बातें, नए कन्वर्टों और पुराने कन्वर्टों की बातें होने लगती है। एक मरीज को खुदावंत के कलाम में लिखा है, वहां लिखा है कि यीशु मसीह जब लंगड़े और अंधों को चंगा करते हैं तो फरीसी तो वो लड़के चिल्लाने लगते हैं कि हे दाऊद की संतान को होश आना। तो फरीसी कहते हैं कि तू अपने लड़कों को समझा किए क्या कहते हैं। तो खुदावंत के कलाम में लिखा है कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर दूध मुहे बच्चों से और लड़कों से अपनी महिमा करा लेगा। इसलिए खुदावंत के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के विजय उत्सव के अंदर भी यीशु मसीह ने अगर आज पुरानी जिंदगियां खानदानी ईसाइयों से अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, बड़े बड़े चर्चिस से अगर खुदावंत को महिमा नहीं मिलेगी, बड़े बड़े पुश्तैनी ईसाइयों से अगर खुदावंत को अपनी महिमा नहीं मिलेगी तो न्यूली कन्वर्टों से खुदावंत अपनी महिमा करा लेगा। खुदावंत के कलाम में लिखा है, वो लिखा है कि वो अपना राज्य तुमसे लेकर उन्हें दे देगा जो फल लाएंगे। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य मैंने और आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये मार्फत जिस दिन बपतिस्मा पाया था उस दिन कमाया था वो मेरे और आपके लिए तुच्छ हो जाए। इसलिए मुझे आपको ट्रू वर्शिपर बनना है, मुझे आपको आत्मा और सच्चाई से खुदावंत की इबादत करनी है। जैसा खुदावंत के कलाम में रोमियों 12:1 में लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए बलिदान करके चढ़ाओ क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने मन को तैयार करो, अपनी जिंदगी को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने घरों को तैयार करो, परमेश्वर के भवनों को तैयार करो। खुदावंत ने ये लॉकडाउन का टाइम जो आपको दिया है कि मैं और आप मनन करें, मैं और आप चिंतन करें अपनी जिंदगी के ऊपर, मैं और आप चिंतन करें अपने कामों के ऊपर, आराधनालयों के अध्यक्ष चिंतन करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ मिस हो रहा है, कहीं ये लॉकडाउन परमेश्वर ने, जबकि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लॉक कर दिए जाए, ताले लग जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने तमाम अध्यक्षों को धर्म गुरुओं को ये सोचने का अवसर दिया कि हमारा ट्रैक कहीं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं हमने मानवता को पीछे छोड़ दिया, कहीं हमने अपने धर्म को अपनी मानवता से बहुत ऊंचा बना दिया, कहीं हमने समाज के अंदर ईर्ष्या को नहीं भर दी, कहीं हमने समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा को नहीं भर दिया, कहीं हमने समाज के अंदर घुसखोरी को नहीं भर दी, कहीं हमने समाज के अंदर गलत संदेश को नहीं दिया। निश्चित तौर पर जान लेना कि जिन स्थानों से खुदावंत को महिमा मिलेगी वो स्थान उन्नति और तरक्की करेंगे और जिन स्थानों से खुदावंत को महिमा नहीं मिलेगी वो स्थान बंद कर दिए जाएंगे और परमेश्वर उन्हें सफाई करेगा। परमेश्वर ने यरूशलेम के मंदिर की इसीलिए सफाई की है कि जिस उद्देश्य के साथ वो टेम्पल बनाया गया था, जिस उद्देश्य के साथ वो सेक्रीफाइस की विधि बनाई गई थी कि जब तुम गुनाह करो पशुपाल के रूप में कबूतरों को या अपने पापानुसार याजक से पूछकर अपनी फेर अपने मेल बलि और होम बलि को चढ़ा दिया करते, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपने आराधना को उल्टा कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं आज मेरी और आपकी आराधना परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच ही नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं और आप आत्मिकता की जगह सिर्फ संसारिकता से ही खुदावंत की इबादत कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान मुझे आपको मनन करने की आवश्यकता है, मुझे आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, आसमानों को अपनी कलीसियाओं के लिए रो रो कर प्रार्थना
उद्देश्य मेरी जिंदगी से पूरा हो रहा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस बुलाहट के साथ बुलाए गए हो उसी के सदस्य चाल चलो। आज जितने भी लीडर्स हैं उन सबको जांचने की आवश्यकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दी थी, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी थी अपने भवन की, अपने काम की, अपने सुसमाचार प्रचार को फैलाने की, अपनी महिमा कराने की, लोगों के अंदर मन बदलाव का प्रचार करने की, लोगों के अंदर तौबा करके अनंत काल के जीवन की बाट जोड़ने की, लोगों को ये बताने की कि मार्ग सत्य और जीवन यीशु ही है, लोगों को ये बताने की कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत में होगा अभी तो अनंत काल का जीवन पाएगा। मेरे लोगों जो आपको अपने पापों की क्षमा के साथ अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है कि उस आने वाले जीवन के लिए तैयार हो। जैसा बुलावत के दास प्रकाशित की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी 14 में लिखता है कि धन्य वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लिया है। वो जो आपको यीशु के चरणों में आने की आवश्यकता है तब निश्चित तौर पर जान लेना जिस दिन इस भवन से खुदावत को महिमा मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जिस दिन कलीसियाओं से खुदावत को महिमा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि इस स्थान पर बैठकर घर पर बैठकर भी मैं और आप अगर आत्मा में एक हो गए, मैं और आप अगर विचारों में एक हो गए, मैं और आप अगर सोच में एक हो गए, खुदावत मिट्टी और गारे के मकानों में नहीं रहता, खुदावत अपनी कलीसियाओं में रहता है, खुदावत जीवित जिंदगियों में रहता है। अगर मैं और आप एक हो गए निश्चित तौर पर जान लेना कि चर्चेस के फाटक पुनः खुल जाएंगे, आराधनालयों के फाटक पुनः खुल जाएंगे। परमेश्वर रहम करने वाला पिता है। खुदावंद के कलाम में यूएस 2 में लिखा है कि परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। अपने गुनाहों से तौबा करके परमेश्वर की ओर फिरे, उसकी ओर मन लगाए, खुदावंद से रहम की भीख मांगे और अपने प्रियजनों के लिए इस महामारी से सुरक्षा मांगे और अपने आप को अनंत काल के जीवन के लिए तैयार करें। जिस दिन मेरा और आपका ये परमेश्वर का भवन शुद्ध हो जाएगा, मेरी आपकी ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है ये शुद्ध हो जाएगी, उस दिन परमेश्वर मुझ में और इस भवन में वास करेगा और इस स्थान से